आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य तो वो कुछ करते नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको गाली देने का काम करते हैं। सोनिया जी ने कहा है कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी नफरत का जहर घोल रहे। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं। देश एक दिशा में जा रहा है, कोविड से लड़ रहा है, महामारी से लड़ रहा है, तब जाके कांग्रेस वाले केवल और केवल पार्टी के स्वार्थ की बात करते हैं, समाज में भेद उत्पन्न करने का लगातार कोशिश करते हैं, सरकार को सहयोग करने के बजाय सरकार के काम में अड़ंगा लाने का काम करते हैं। जनता देख रही है कौन काम कर रहा है और कौन दिक्कतें ला रहा है, और इसलिए आज इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि देश की जनता सब समझती है, ये नकारात्मक राजनीति है कांग्रेस की, जबकि उनको सकारात्मक राजनीति का परिचय देने का एक मौका था कि वो आगे आते, सपोर्ट करते, वॉलंटियर्स बनते, लोगों को खाना बांटते, लोगों की सेवा में लगे रहते और सरकार को अनेक बैठकों में उनको बुलाते, तब सुझाव भी देते। लेकिन ये केवल पब्लिक स्टेटमेंट और समाज में भेद तैयार करने वाले जानबूझकर ये विषय उठाते हैं, इन विषयों का और वास्तविकता का कोई संबंध नहीं। जो भारत पर टिप्पणियां हमेशा करते हैं वो भी ऐसे ही विषय रखते हैं, वैसे ही विषय कांग्रेस रखती है। कांग्रेस को देश के सरकार के साथ इकट्ठा कर अच्छा काम करके दिखाने का मौका है, वो करे और ऐसे वक्तव्य ना करे, यही हमारी अपील है। लेकिन ऐसे वक्तव्य जो किए हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं।